2014 में वार मूवी पाकिस्तान की पहली ऐसी मूवी बनी जिसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन दिलवाई और पाकिस्तानी सिनेमा को फिर से रिवाइव भी किया। इस मूवी की कास्ट में मेन लीड में शान शाहिद और फीमेल लीड में अलीजे नसीर को कास्ट किया गया था। ये मूवी 16 अक्टूबर 2013 को वर्ल्ड वाइड रिलीज की गई और 170 मिलियन रुपीस के बजट में 340 मिलियन का बॉक्स ऑफिस भी किया। और 2014 में इस मूवी के डायरेक्टर बिलाल इशारी, जिन्हें हम इनकी पिछली मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट के नाम से भी जानते हैं, बिलाल ने 2014 में वार का सीक्वल अनाउंस कर दिया था। मई 2015 में मूवी की स्क्रिप्ट राइटर हसन राणा ने स्क्रिप्ट लिखकर डायरेक्टर के हाथ में दे दी और मूवी में आयशा उमर को भी कास्ट किया गया था अनस्पेसिफाइड रोल के लिए। अगर आप हसन राणा को नहीं जानते तो इन्होंने यलगार जैसी डार्क मूवी लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है। 2015 में मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर दी गई थी और इस मूवी की शूटिंग रशिया, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम में हुई और इसका एंडिंग पार्ट केटू चोटी माउंटेन पे शूट किया गया था। 2016 की स्टार्ट में इसकी शूटिंग कंप्लीट कर दी गई थी, लेकिन फिर इस मूवी की न्यूज़ और रूमर्स आने बंद हो गए। डायरेक्टर और कास्ट ने और राइटर ने भी इस मूवी के बारे में बात करना बंद कर दिया और अब न्यूज़ आ रहे हैं कि इसे 2024 में मिड या एंड पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं, ये सिर्फ रूमर्स आ रहे हैं। बाकी देखते हैं कि इस मूवी के बारे में हमें आगे क्या पता चलता है। तो जो भी पता चला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगाह कर दूंगा।